आपको देखने मिल जाते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इन लार्ज फोल्डर वाले फीचर और वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारे हिडन फीचर और ट्रिप्स एंड ट्रिक्स देखने मिल जाते हैं जो कि आई थिंक आपको नहीं बताऊंगे। अगर आप रियलमी 11X 5G स्मार्टफोन ले रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लेकर अंत तक वॉच करते रहिएगा, आपको सभी फीचर्स के बारे में पता लग जाएगा। और वीडियो में जाके आगे वैल्यू लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है आइकन इन लार्ज का फोल्डर। जैसे मेरे पास आइकन का फोल्डर है, इसमें प्रेस एंड होल्ड करता हूँ और यहाँ पे मिलेगा इन लार्ज फोल्डर। इन लार्ज फोल्डर करते देखते आईफोन में जैसे आपने फोल्डर देखे ना, कुछ उस टाइप में फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। और वापस नॉर्मल करना, प्रेस एंड होल्ड कीजिए, सिंक फोल्डर पे क्लिक कीजिए, ये फोल्डर आपका वापस नॉर्मल हो जाएगा, है ना, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है रिसेंट पैनल के अंदर। अब यहाँ देखते क्लोज ऑल लिखा हुआ, लेकिन ये चीज थोड़ी हिडन है। देखते इसे प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो एक सेटिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ पे मिलेगा डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन। इसको ऑन कर दोगे ना तो यहाँ पे आपको बताएगा आपकी रैम कितनी यूज हो रही है। तो ये थोड़ा सा हिडन है, इसको यहाँ से जाके आप ऑन कर सकते हैं जब आपको ये डेटा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फीचर भी आपको रिसेंट पैनल में देखने को मिलेगा, आप कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं जैसे कि, तो यहाँ पे देखते हैं 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं हाइड कंटेंट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखते हैं हाइड हो चुका है। देखते हैं आपने ऐप हाइड देखे होंगे, फोटो हाइड देखे होंगे, लेकिन इस चीज को भी आप हाइड कर सकते हो बाय चांस कोई आ गया और यहाँ पे आप वैसे होम पे जाओगे तो ये चीज आपकी हाइड हो जाएगी। देखते कुछ इस टाइप में शो करोगे तो शो हो जाएगी। इस प्रकार से किसी भी ऐप पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फोन के अंदर आपको देखने मिलता है स्पेक सेटिंग वाला फीचर, जिसके लिए जाना पड़ेगा मोबाइल के सेटिंग में। यहाँ पे मिलेगा अबाउट डिवाइस का ऑप्शन, ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ मिलेगा शेयर का ऑप्शन। आपका फ्रेंड आपसे मोबाइल के स्पेक्स पूछ ले, आप तेरे मोबाइल में क्या फीचर है, मुझे भी परचेज करना है, तो आपको ना पता हो तो यहाँ से इसको डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। ये फीचर कौन देता है, लेकिन रियलमी वाले ने दिया हुआ है, इसका यूज करना तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। नेक्स्ट इस फोन के अंदर वर्चुअल रैम एक्सटेंड कर सकते हो। 8GB तो रैम है ही, लेकिन 8GB वर्चुअल रैम एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे जाएंगे और जितना आपको करना है, जिसके 4GB करना है, 6GB करना है, 8GB करना है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन स्टोरेज में से वो आपकी रिमूव हो जाएगी। बाकी आप वापस ऑफ करोगे तो वापस आपको स्टोरेज मिल जाएगी। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलेगा एडिशनली सेटिंग में और यहाँ पे मिलेगा सिस्टम नेविगेशन का फीचर। ये फीचर सभी फोन में होता है, लेकिन इस फोन के अंदर भी ये फीचर देखने मिल जाता है। जैसे कि इस बटन को राइट टू लेफ्ट करना बैक बटन को, तो वो आप कर ही सकते हैं, सभी फोन में होता है। यहाँ पे गेस्चर का ऑप्शन देखने मिल जाता है, बिना बटन के अपने फोन को यूज करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि बैक यहाँ से जाएगा, यहाँ से बैक जाएगा, बटन आपके हाइड हो चुके होम स्क्रीन पे, इस प्रकार से जाएगा। रिसेंट पैनल पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो ये चीज आपको देखने को, तो डेफिनेटली इसका यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो फिलहाल के मैं बटन पे कर लेता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है गेस्चर एंड मोशन का फीचर। गेस्चर एंड मोशन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा स्क्रीन ऑफ गेस्चर का फीचर, इसको आप ऑन कर दोगे। जैसे कि मैंने देखते हैं ड्रॉ ओ, इसको मैंने ऑन कर दिया। आप जो जो ऑन करोगे और अपने मन मुताबिक डब्लू पे व्हाट्सएप सेट करना है वो आप कर सकते हो। अब इससे होएगा क्या, अभी आपको दिखाता हूँ। लॉक स्क्रीन पे जाता हूँ, अब मैंने ओ यहाँ पे ऑन कर रखा था तो ओ मैंने प्रेस किया तो डायरेक्टली यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अगर यहाँ पे डब्लू पे आप व्हाट्सएप यहाँ पे कर दोगे तो व्हाट्सएप आपका डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो है ना काफी इंटरेस्टिंग, डब्लू पे आप व्हाट्सएप सेट करोगे तो व्हाट्सएप ड्रॉ करोगे तो व्हाट्सएप डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। जिस हिसाब से जो जो एप्लीकेशन आप सेट करोगे वो ओपन हो जाएंगे। और इस फोन में 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि सभी फोन में देखने मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूँ तो वो आपको देखने मिलता है एजबिलिटी के अंदर। एजबिलिटी के अंदर आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको एजबिलिटी मेन्यू का ऑप्शन। एजबिलिटी मेन्यू को आप ऑन कर दोगे तो यहाँ पर ऐड हो चुका है और यहाँ से डायरेक्टली काफी सारे फीचर देखने मिलते हैं। आप एक हाथ से वर्क कर रहे हो तो इस फीचर का यूज कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्टली वॉल्यूम अप करना, डाउन करना, तो ये सारी चीजें आपको देखने मिलती है। तो फिलहाल के लिए मैं इसे ऑफ करता हूँ, अगर आपको करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज की बात करूँ तो वो कोई फीचर नहीं देखने मिलता, लेकिन जब भी फोन को लो तो इसको आपको ऑफ करके रखना है। एडिशनल सेटिंग में देखने मिलेगा गेट रिकमेंडेशन और जब भी फोन को लो तो इसको ऑफ कर देना, ताकि आपके फोन में एड कम से कम आ सके। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो आपको देखने मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर। इस फोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर भी देखने मिल जाता है, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जाना होगा आपको टॉगल के अंदर, टॉगल के अंदर जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर। अगर ये आपको ना देखने को मिलेगी या तो यहाँ पे एडिट टैब में जाके इसको ऐड कर लीजिएगा, डायरेक्टली इसे आपका ये देखने मिल जाएगा, सेटिंग में आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो कुछ स्पेशल फीचर देखने मिल जाता है, क्योंकि रियलमी नाम है दिया इसका कुछ स्पेशल फीचर। यहाँ पे आप देखते हैं स्पेशल फीचर में जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन का फीचर। अब ये फीचर क्या है, 3 फिंगर से स्क्रीन शॉट तो आप ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या। जैसे कि क्रोम ब्राउजर में जाता हूँ और नीचे की ओर से 3 स्वाइप करता हूँ तो ये देखते स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो जाएगा और जो एप्लीकेशन यहाँ पे सपोर्ट करती होगी तो ये देखते एक साथ दो दो एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूँ और इसको इधर से उधर करना है तो वो भी आप कर सकते हो, है ना काफी इंटरेस्टिंग चीज है। नेक्स्ट फीचर भी आपको सेटिंग में देखने मिलता है। सेटिंग में
जाइए स्पेशल फीचर के अंदर जाइए, यहाँ पर मिलेगा फ्लेक्सिबल विंडो। फ्लेक्सिबल विंडो को ऑन कर दोगे, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी उस पर टैप करोगे तो छोटी सी विंडो में ओपन होएगा। जैसे कि अभी कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई, लेकिन आपको दिखाता हूँ। जैसे कि क्रोम ब्राउजर है, डिजाइन पैनल में गया, थ्री डॉट पे गया और इस फीचर का यहाँ से भी यूज कर सकते हो। देखिए फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फ्लोटिंग विंडो का ओपन हो जाएगा। तो देखते छोटी सी विंडो है ना, तो इसी टाइप में ये वर्क करता है। इसको कहीं पे मैं ड्रैग कर सकता हूँ, साइज को रिसाइज कर सकता हूँ, साइड में रखना है साइड में छुपा भी सकता हूँ। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है, और एग्जिट करना तो यहाँ से। नेक्स्ट फीचर भी अभी स्पेशल फीचर में देखने को मिलता है, क्योंकि रियलमी ने भर भर के फीचर दिए हैं। यहाँ पे आप देखते हैं स्मार्ट साइड बार का फीचर देखने को मिलता है। इसको आप ऑन कर दोगे तो इससे ऑन करने के बाद क्या होगा, आपके यहाँ पे देखते हैं एक साइड बार आ जाएगा और यहाँ से देखते काफी सारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। इस फीचर का यूज बेसिकली लोग इसलिए करते हैं कि कई सारी एप्लीकेशन ढूंढनी पड़ती है बार बार, तो रेगुलर तौर पर जो भी एप्लीकेशन आपकी यूज होती है उनको ऐड कर लीजिए और डायरेक्टली उन एप्लीकेशन को यहीं से आप एक्सेस कर सकते हैं साइड में। नेक्स्ट फीचर भी आपको स्पेशल फीचर में देखने को मिलता है, जिसका नाम है सिंपल मोड वाला फीचर। जी हाँ, सिंपल मोड वाला फीचर क्या है अभी देखते हैं। मैं इस पे एंटर सिंपल मोड पे जाता हूँ। अब सिंपल मोड में जाने के बाद क्या होगा कि आपका जो फोन है बिल्कुल सिंपल मोड में चलेगा। अगर आपको फोन यूज नहीं करना आता, इजी टू यूज बन जाएगा बेसिकली आपका फोन। तो ये आपको देखने को मिलता है सिंपल मोड वाला फीचर, इसमें ज्यादा फीचर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इसको एग्जिट कर देते हैं। नेक्स्ट फीचर आपको सेटिंग में देखने को मिलता है, प्राइवेसी के अंदर। प्राइवेसी के अंदर जाओगे तो यहाँ पे प्राइवेसी का ऑप्शन वापस मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा ऐप लॉक का फीचर। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी, इससे में खुद का ऐप लॉक का फीचर देखने को मिलता है। किसी भी ऐप पे लॉक लगाना है तो आप लगा सकते हैं, और इस फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि हाइड ऐप पे जाता हूँ, जो भी मैंने पासवर्ड लगाया हुआ यहाँ पे लगा लेता हूँ, और मान लीजिए मुझे अमेजोन को हाइड करना है, और सेटिंग में जाके यहाँ पे आपको पासवर्ड लगाना। पासवर्ड कैसे लगाना है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले आपको हैश लगाना पड़ेगा, और जो आपको पासवर्ड लगाना वो आप लगा के लास्ट में वापस से आपको हैश लगाना पड़ेगा, अब वो आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। अब ये हाइड तो हो गया, इसको अनहाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, किसी को पता नहीं लगता। डायरेक्ट में जाने के बाद आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया, जैसे कि हैज है और 000 मैंने किया हुआ, और ये हैज करता हूं, देखते जो भी एप्लीकेशन हाइड करोगे वो आपको शो हो जाएगी और यहाँ से इसको यूज कर सकते हो। है ना, काफी इंटरेस्टिंग फीचर, इसके लिए लाइक बनता है यार। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलेगा आपको एप्स के अंदर। एप्स के अंदर देखते हैं ऐप क्लोन का फीचर देखने को मिलता है। इस फोन के अंदर आप डबल फेसबुक, डबल व्हाट्सएप, जो भी एप्लीकेशन डबल यूज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो ये फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है, मतलब कि आप ड्यूल ऐप का सपोर्ट इस फोन में है। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है रिकवर सिस्टम ऐप का फीचर। बाय मिस्टेक आपसे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो उसको रिकवर भी कर सकते हो, ये फीचर फोन देता है यार, लेकिन दिया हुआ रियलमी वालों ने। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूँ तो वो आपको देखने मिलता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर। जैसे ही जाओगे तो यहाँ मिलेगा स्टेटस बार का फीचर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूटूथ मेरा ऑन है, अब इसको हाइड करना चाहता तो हाइड हो जाएगा भाई, हाइड हो चुका है। देखते हैं ऑफ नहीं भाई, ये ऑन है मेरा, देखते हैं ब्लूटूथ, लेकिन यहाँ से हाइड हो चुका है। इसको हाइड करने का कौन फीचर देता है यार, ये फीचर दिया हुआ है। मतलब इस प्रकार से स्टेटस बार में जो भी अलार्म को हाइड करना चाहते हो, साइलेंट मोड, वाईफाई को हाइड करना चाहते हो, बस कनेक्ट रहेगा, बस वहां से आपको हाइड दिखाएगा। तो ये देखने को मिलता है। बैटरी परसेंटेज किस स्टाइल में चाहिए, बैटरी परसेंटेज बाहर चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए वो आप कर सकते हैं। बैटरी का जो स्टाइल है ये देखते हैं, ये कुछ इस टाइप में आपको देखने मिलते हैं, वो आप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के स्टाइल कलरफुल में चाहिए या नंबरिंग में चाहिए या नहीं चाहिए, भाई कलरफुल वाला मेरे को अच्छा लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यही हम यूज करेंगे। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको देखने मिलता है मोर सेटिंग के फीचर। मोर सेटिंग में आप जैसे जाओगे तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इसको आप ऑन कर देना जब भी फोन खोलो। ये फीचर काफी लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है। बाय चांस देखते बहुत सारी नोटिफिकेशन आई हुई है, तो यहाँ से जाके मैं उसको चेक कर सकता हूँ वापस से। बाय मिस्टेक होते हैं ना, बहुत सारी नोटिफिकेशन अपने बाय मिस्टेक स्वाइप हो जाती है, तो उसको चेक करना होता है, तो यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये फीचर काफी इंटरेस्टिंग फीचर है यार। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको देखने मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाओगे तो इस फोन में आपको डार्क मोड का भी ऑप्शन देखने मिल जाता है, और डार्क मोड को आप कस्टमाइज कर सकते हो। डार्क मोड सेटिंग में जाइए, कितना आपको डार्क रखना है, मीडियम रखना है या नॉर्मल रखना है, मेरे को यही वाला अच्छा लगता है, पूरा डीप ब्लैक वाला, वो आप कर सकते हैं। और इसमें टाइमिंग भी सेट कर सकते हो ऑटोमेटिकली, कितने बजे ये ऑन होना चाहिए। ज्यादातर से लोग रात में इसका यूज करते हैं, तो वो आप टाइमिंग इसमें सेट कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा आपके रात के टाइम। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है आई मोड का फीचर। ये फीचर की आंखों में पानी आता है, आपके फोन चलाते हो आंखों पे कम असर पड़े, तो इस मोड का आप यूज कर सकते हो। थोड़ी डिस्प्ले येलो स्टेप में आपको देखने को मिलेगी, तो ये चीज आपको देखने मिलती है। और इस फोन के अंदर वीडियो के कलर को बूस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप कोई भी वीडियो वॉच कर रहे हो तो उसके कलर थोड़ा बूस्ट होकर मिले, तो वो चीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इसका भी यूज करना डेफिनेटली आप कर सकते हो। और इस फोन में आपको पता है 120 का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। इसको ऑटो पर रहने दीजिए, हाई पे रख दोगे तो ज्यादा बैटरी लो करेगा। ऑटो पर क्या होगा, जब इसको जो जरूरत पड़ेगी वो ऑटोमेटिकली ये यूज करता रहेगा। बेसिकली 120 से होता है कि आपका फोन स्मूथ
चलता है, काफी अच्छी स्क्रोलिंग आपको देखने को मिलती है। नई फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलेगा, आपको होम स्क्रीन पे प्रेस एंड होल्ड करोगे तो मिलेगा ट्रांजिशन का ऑप्शन। मान लीजिए आप यहाँ पे कार्ड पे करके अप्लाई कर दोगे ना, तो यहाँ पे देखते हैं आप जैसे इसको इस प्रकार से करोगे तो कार्ड स्टाइल में ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इस फोन में आपको पता है यहाँ पे ऐप ड्रॉवर मुझे देखने को मिलता है, लेकिन कई लोगों को पसंद नहीं होता, तो यहाँ पे इसको प्रेस एंड होल्ड करके मोर के अंदर जाके और इसको ऐप ड्रॉवर को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड पे क्लिक करूंगा तो अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो स्टैंडर्ड मोड में स्विच हो जाएगा, देख सकते हैं ये ओके हो चुका है। अभी आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे ड्रॉवर मोड यहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुका है, देखते हैं यहाँ पे सर्च बार ओपन हो रहा है। तो इस प्रकार से ड्रॉवर मोड को आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है आइकन पुल डाउन गेस्चर, इसको आप ऑन कर दोगे तो ये फीचर क्या है, यहाँ से मैं देखते हैं इस प्रकार से स्वाइप करता हूँ तो देखते हैं सारी एप्लीकेशन यहीं पे देखने को मिल रही है, यहाँ से क्विक एक्सेस कर सकता हूँ, तो ये चीज देखने मिलती है आइकन पुल डाउन गेस्चर वाला फीचर। फीचर भी यहाँ पे देखने मिल जाता है, प्रेस एंड होल्ड करके मोर सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा डबल टैप टू लॉक का फीचर, इसको ऑन कर देना और यहाँ पे ऑन नहीं करना, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ क्या फीचर है, और इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ क्योंकि ये फीचर मिलते जुलते हैं। एक फीचर क्या करता है, आप डबल टैप करोगे तो लॉक करेगा, और दूसरा फीचर क्या करता है, डबल टैप करोगे तो ऑन कर देगा, तो ये चीज आपको देखने मिलती है। और नेक्स्ट फीचर भी आपको यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करने पे देखने मिलेगा, और यहाँ पे मोर सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन, क्लॉक का स्टाइल आपको किस स्टेप में चाहिए, इस स्टेप में चाहिए, ये स्टेप में चाहिए, ओनली फॉर दो ही देखने मिलते हैं, चार पांच और देते तो थोड़ा मजा आता है, लेकिन ये चीज देखने मिलती है यहाँ से आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलेगा मोबाइल की सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे मिलेगा वॉलपेपर एंड स्टाइल का फीचर, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा क्विक सेटिंग का फीचर। अब यहाँ पे देखते इसको स्टाइल को चेंज कर सकते हो, मान लीजिए आपको थोड़ा सा राउंड पूरा डब्बे वाला करना है तो देखते इस स्टेप में ये हो चुका है ना, इसे फीचर कौन देता है, थोड़ा सा और राउंड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, और भी काफी सारे स्टाइल देखने मिलते हैं, जो भी आपको पसंद आ रहा है यहाँ पे आप वो कर सकते हैं। और कमाल की बात है ये कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए आपको ये कलर रखना है तो ये देखते हैं इस टाइप में कलर हो चुका है, इस टाइप में रखना है तो ये देखते हैं इस टाइप में कलर हो चुका है, और वॉलपेपर में जो कलर आपने यूज किया है वो वाला आपको कलर यहाँ पे सेट करना है वो आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ये वाला कर लेता हूँ, कलरफुल वाला थोड़ा मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये देखते हैं इस प्रकार सेटिंग पैनल पूरी कलरफुल आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट इस फोन के अंदर यहाँ पे देखते हैं फोन को चेंज करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने रियलमी सेंस वाला लगा रखा है, मुझे यही ज्यादा अच्छा लगता है, और इसको आप जितना लार्ज करना मीडियम करना वो आप कर ही सकते हो। और यहाँ पे आपको देखते हैं आइकन का एक फीचर देखने मिल जाता है, प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ मिलेगा आइकन का फीचर। ये आइकन का फीचर क्या है, मान लीजिए आप बोर हो रहे हो, जैसे कि आइकन का स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो और अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, ऐप का नेम कितना बड़ा होना चाहिए वो कर सकते हैं, स्टाइल तो आप चेंज कर सकते हो, आपका खुद का यहाँ पे स्टाइल आपको लगाना है, आप खुद क्रिएट कर सकते हो अपना स्टाइल, जितना आपको बैकग्राउंड इस प्रकार से रखना है या आइकन ये देखते आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक देखने मिलता है एडोब सिस्टम कलर का फीचर, ये फीचर क्या है, इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पे देखते हैं आइकन के कलर किस टाइप में हो चुके हैं, है ना, काफी इंटरेस्टिंग चीज ये, तो ये चीज आपको देखने मिलती है, आइकन को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, फिलहाल के लिए हम इसको नॉर्मल पे कर देते हैं। अब हम बात करते हैं अपने मेन फीचर की, इस फोन के अंदर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले किस प्रकार से एक्टिवेट कर सकते हो, तो सिंपली इसके लिए प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है AOA, भी सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, इसको डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए, जो कि ऑलरेडी इस फोन में मैंने डाउनलोड किया और सेटअप वगैरह कर रखा है, मैं दूसरे फोन में आपको करके दिखाता हूँ, यही प्रोसेस आपको इस फोन में करना होगा, जैसे कि एप्लीकेशन ओपन करोगे और जो भी आपको यहाँ पे स्टिकर पसंद आते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जरूरी नहीं यही एप्लीकेशन आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर हजारों एप्लीकेशन ऐसी मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके जो भी आप कर सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वॉच के स्टाइल आपको रखने हैं जो रख सकते हैं, फोन स्टाइल आपको रखना वो आप रख सकते हैं, बैकग्राउंड आपको किस टाइप में चाहिए वो आप रख सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जिस प्रकार से आपको कस्टमाइज करना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एज लाइटिंग का फीचर भी देखने को मिल जाता है, देखते हैं एज एनिमेशन जब भी कोई नोटिफिकेशन वगैरह है तो किस प्रकार की आपको चाहिए यार नोटिफिकेशन, देख सकते हैं है ना, काफी इंटरेस्टिंग। ये सब कुछ सेट करने के बाद आपके फोन में ऑलवेज ऑन द डिस्प्ले तो सेट हो जाएगा, लेकिन रिंग लाइट को किस प्रकार से एनेबल करना है आपको, उसके लिए प्ले स्टोर से आपको ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एनर्जी रिंग कैमरा नोट, ठीक है, ये वाली डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए और ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने फोन के अंदर डाउनलोड किए हुए, इसको डाउनलोड करके ओपन करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पे देखते हैं आपके रिंग लाइट यहाँ पे अनेबल हो चुकी है आपके फोन के अंदर, देखते हैं रेड टाइप में देखने को मिलता है। इसके यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, बेसिकली मैं ज्यादातर से येलो रखूंगा तो ये सब कुछ मैं सेट कर दूंगा। और इसके कैमरा के रिंग बिल्कुल आपको सेट करना पड़ेगा इसकी पोजीशन, जब जाके आपके कैमरा के अंदर लाइटिंग इफेक्ट सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। सेट हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और रिंग लाइट का कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ कितना अच्छा लगता है। तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको देखने मिलता है, देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है और एज लाइटिंग के साथ और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और एज लाइटिंग में देखते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, बहुत ऑसम लगता है। और कोई भी दोस्त आपसे पूछ सकता है ये कैसे एनेबल किया, तो मेरी वीडियो शेयर कर देना, उसको ये पता लग जाएगा।